तो जब भी आप मार्केटिंग या सेल्स कर रहे होते हो तो इन सब का मोटिव ये होता है कि आप लोगों की हेल्प करो, है ना। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो इसको भूल जाते हैं हेल्प करने का, वैल्यू क्रिएशन को भूल जाते हैं और डायरेक्टली वो सेल्स पे चले जाते हैं, वो डायरेक्टली चीज़ बेचने लग जाते हैं और फिर कोई ख़रीदता नहीं उनसे क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है कि आप जो बात कर रहे हो आपको वो पता है, आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होती है। तो उस क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारी फ्री वैल्यू क्रिएट करनी होती है लोगों के लिए, बहुत सारी वैल्यू। आप फ्री में नॉलेज शेयर करो और टिप शेयर करो, रिसोर्सेज शेयर करो फ्री में विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। और उसके बाद जब लोग का ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, जब लोग समझे कि हाँ भाई आप जानते हो आप क्या बोल रहे हो और आप लेजिट हो, आप क्रेडिबल हो, उसके बाद आप एक पिच कर सकते हो कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है और आप इसको ट्राई कर सकते हो। उनको भले ही उसके लिए पे करना पड़े वो तब भी करेंगे, ठीक है। तो तब आपकी सेल्स आसान हो जाएगी और तब आपकी सेल्स सस्टेनेबल हो जाएगी क्योंकि आप उसको क्रेडिबिलिटी से बैक कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल बनेगा, और अगर आप पहले इस वाले वैल्यू क्रिएशन अप्रोच से जाओगे, फ्री वैल्यू क्रिएशन अप्रोच से जाओगे, तो बाद में सेल करना बहुत आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली और उसका मोर सस्टेनेबली कर पाओगे।